नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में संबोधन करेंगे। दोनों लोग माध्यमिक का भी कहा ना आपने, बेसिक नहीं, बेसिक का तो हो रहा, केवल माध्यमिक और महाविद्यालयों का, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का नहीं हो रहा है। कृपया इसको दिखवा लीजिए कि ये जो मानव संपदा पोर्टल की व्यवस्था की है सरकार ने, वो जल्दी लागू की जाए, जल्दी लागू हो जाए ताकि नियमित वेतन मिलने लगे। प्रश्न संख्या 11, माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। प्रश्न संख्या 13 उच्च शिक्षा मंत्री जी। जी नहीं, जी हाँ, संप्रति कट ऑफ तिथि विस्तारित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत ४४/१५-१०/७-२ ६/१९९२ दिनांक ६/७/९२ द्वारा प्रथम संशोधन नियमावली 1992 के अनुच्छेद 19(1)-5 तक दी गई व्यवस्था के अनुसार तत्कालीन जिला विद्यालय निक्षय रायबरेली द्वारा श्री प्रदीप कुमार को वसी नकवी नेशनल इंटर कॉलेज रायबरेली में विद्यालय में रिक्त प्रवक्ता संस्कृत के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई थी। यह उल्लेख विद्यालय के प्रबंधक द्वारा अपने पत्र दिनांक पत्रांक नियुक्ति 1992-93 दिनांक 21/9/92 को रजिस्टर डाक से जनपद उन्नाव में श्री प्रदीप कुमार के घर के पते पर भेजा था, जिसके आधार पर 30 सितंबर 1992 को श्री प्रदीप कुमार ने विद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। अनवरत रूप से कार्यरत रहते हुए वरिष्ठता के आधार पर